दोस्तों आज हम एक पोयम पढ़ेंगे, द टेबल्स टर्न्ड। इस पोयम को लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में और इस पोयम को पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेड्स में। लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलरिज के कुछ पोयम्स का कलेक्शन था और ऐसा माना जाता है कि लिरिकल बैलेड्स के साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। द टेबल्स टर्न्ड आठ स्टैंजा की 32 लाइन्स में लिखी एक सिंपल सी पोयम है, जिसमें पोएट अपने दोस्त से कह रहा है कि इन किताबों को छोड़ो और नेचर को इंजॉय करो। अप अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। दोस्तों वर्ड्सवर्थ इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि उठो उठो दोस्त, अब बंद भी करो पढ़ना, और अगर तुम एक जगह बैठे बैठे किताबें पढ़ना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा जो वज़न है ना, जो वेट है, वो डबल हो जाएगा। इसलिए उठो और अपने चेहरे पर से ये सीरियसनेस को हटाओ। दोस्तों जब भी हम पढ़ाई करते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे लुक्स सीरियस हो जाते हैं, सीरियसनेस आ जाती है चेहरे के ऊपर। तो उसी बात को वर्ड्सवर्थ भी कह रहे हैं कि अपने चेहरे पर से ये सीरियसनेस को हटाओ। क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्यों इतनी मुसीबतें हैं? तो इस तरह फर्स्ट स्टैंजा में पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन किताबों को छोड़ो, और आगे के स्टैंजा में पोएट नेचर के बारे में बताएगा। द सन अबव द माउंटेन्स हैड अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। दोस्तों सूरज अब पहाड़ों के ऊपर आ गया है, यानी शाम का समय है, क्योंकि सूरज पहाड़ के ऊपर शाम को ही आता है। और इस मधुर शाम में जो सूरज की किरणें हैं, वो किरणें घास के मैदान पर पड़ रही हैं, और सूरज की किरणों ने उस हरे रंग की घास को गोल्डन बना दिया है। और ये सीन बहुत ही फ्रेशनिंग है, बहुत ही चमकदार है, बहुत ही मधुर है। बुक्स दिस अडल एंड एंडलेस स्ट्राइफ कम हियर द वुडलैंड लिनेट, How sweet his music on my life, there is more of wisdom in it। किताबें जो है ना, वो डल होती हैं, इसमें एंडलेस कभी ना ख़त्म होने वाला संघर्ष है, यानी हम मेहनत करते रहते हैं करते रहते हैं। पोएट कहता है यहाँ आओ और सुनो इस वुडलैंड पक्षी को। वुडलैंड लिनेट एक बर्ड होती है, तो पोएट कहता है यहाँ आओ और सुनो इस वुडलैंड पक्षी की आवाज़। देखो कितनी मधुर आवाज़ है इस वुडलैंड लिनेट पक्षी की, और तुम्हें किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान इस म्यूज़िक से हो सकता है। हाउ ब्लिथ द थ्रॉसल सिंग्स, ही टू इज़ नो मीन प्रीचर, कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक और बर्ड की आवाज़ सुनने को कहते हैं, जिसका नाम है थ्रॉसल। तो दोस्तों दो बर्ड्स की यहाँ पर बात हुई है पोएम में, पहली बर्ड है वुडलैंड लिनेट और दूसरी का नाम है थ्रॉसल। पोएट कहते हैं सुनो थ्रॉसल कैसे चहचहाती है, ये थ्रॉसल चिड़िया भी उपदेश देती है। सेकंड लाइन में टू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किताबों से कंपैरिजन हो रहा है इस बर्ड थ्रॉसल का। किताबें तो उपदेश देती हैं, लेकिन ये जो बर्ड है ना थ्रॉसल, ये भी उपदेश देती है। और दोस्त तुम बाहर निकलो, इस दुनिया में आओ। क्या किताबों की कहानियाँ पढ़ते हो, वो सब फिक्शनल है, यानी नकली है, असली दुनिया तो ये है। मतलब उस फिक्शनल वर्ल्ड से निकलो और जो असल में जो वर्ल्ड है, जो नेचर है, उसमें आओ और नेचर को अपना टीचर बनने दो। शी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, आर माइंड्स एंड हर्ट्स टू ब्लेस, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथ बाय हेल्थ, ट्रूथ ब्रेथ बाय चेयरफुलनेस। शी यहाँ पर नेचर के लिए यूज़ किया गया है, तो पोएट कहते हैं कि नेचर के पास बहुत कुछ है तुम्हें सिखाने के लिए, पूरा भंडार है ज्ञान का नेचर के पास। उस ज्ञान से हमारे हर्ट और माइंड को सुकून मिलता है, और नेचर हमें हेल्दी रखता है, और हमारी रूह यानी हमारे सोल को उत्साह से भर देता है। वी फील एंथुसियास्टिक, वी फील हैप्पी इन नेचर। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल हुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल ईविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। इम्पल्स का मतलब यहाँ पर है एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा, और वर्नल कहते हैं ताज़ा, फ्रेश, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो एक छोटा सा हरा भरा जंगल का टुकड़ा तुम्हें किताबों से ज़्यादा सिखा सकता है,
यहाँ पर पोएट अपने दोस्त से कह रहे हैं कि एक छोटे से जंगल का टुकड़ा तुम्हें अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान दे सकता है, और ये ज्ञान तुम्हें कोई साधु संत भी नहीं दे सकता। सेजिस कहते हैं संत को, ऋषि को। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, आर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स, वी मर्डर टू डिसेक्ट। नेचर के पास एक स्वीट नॉलेज है। पोएट कहता है हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, वो हर चीज़ में मीनिंग ढूंढती है, हर चीज़ का पर्पस ढूंढती है, हर चीज़ से क्वेश्चन पूछती है कि ये ऐसा क्यों है और वह वैसा क्यों है। और जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर हम नेचर की ब्यूटी को मिस शेप कर देते हैं, और जब हम सवाल करने लग जाते हैं, जवाब ढूंढने लग जाते हैं, तो फिर नेचर की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। Enough of science and of arts. Close up those barren leaves. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. Poet last stanza में कहता है कि बहुत हो गया science और arts. अब बंद करो इन बंजर पत्तों को। बंजर पत्ते यानी वो किताबें जो poet के दोस्त के हाथ में हैं। पोएट कहता है कि बाहर आओ और अपने साथ ऐसा दिल लेकर आओ जो नेचर को देख सके और रिसीव कर सके, यानी नेचर को एंजॉय कर सके, नेचर को ऑब्जर्व कर सके। तो दोस्तों, ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी एक खूबसूरत सी छोटी सी पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।